डियर फ्रेंड्स, गिटार विद सुमित में आपका स्वागत है। अब तक आप मेरे लेसन्स को फॉलो करते रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी फॉलो करेंगे। डियर फ्रेंड्स, 20 बेसिक लेसन्स फॉर गिटार आपके लिए जो मैं लेकर आया, एक प्रपोजल जो हमने बनाया, एक जो प्लान आउट किया, वो अभी तक अच्छी सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहा है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको यही शुरू से कहा है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो आपको प्रिस्क्राइब प्रैक्टिस कही गई है, जितने घंटे आपको प्रैक्टिस करने को कहा गया, अगर आप उसको करते रहेंगे और अगर आप 20 लेसन्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप एक अच्छे गिटारिस्ट बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके होंगे और एक आप अच्छे गिटारिस्ट बन जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, 20 लेसन्स में जो हमारा प्रयास रहा है आपको कवर करवाने का, वो बेसिक्स को कवर करवाने का रहा है। पर क्योंकि आपके सुझाव और आपके क्वेरीज आते रही बीच में कि हमें कुछ गाने भी बताइए, लीड्स पे गाने बताइए, कॉर्ड्स पे गाने बताइए, तो हमने उसका भी ध्यान रखा। अभी तक आपको लीड्स के ऊपर काफ़ी गाने बताए जा चुके हैं, वो ट्विंकल ट्विंकल हैप्पी बर्थडे से शुरू हुए, फिर जीना जहां मरना जहां, मेरा नाम जोकर मूवी का गाना आपको बताया गया। इसी तरह से और भी आप ट्यूटोरियल्स में आपने देखे कि मैंने आपको लेसन्स दिए गए गानों से रिलेटेड, फिर मेजर स्केल्स क्या होते हैं, कैसे वो प्ले किए जाते हैं, उनकी एलैबोरेशंस क्या होती हैं, इन सब को कवर करते करते ओपन कॉर्ड्स भी हमने आपको लेसन्स में बताया कि ओपन कॉर्ड्स बनते कैसे हैं। ये नहीं कि ऐसे फिंगर रख लीजिए, फर्स्ट फिंगर फिफ्थ फ्रेट पे रख लीजिए, फर्स्ट फिंगर सेकंड स्ट्रिंग पे रख लीजिए, थर्ड फिंगर ऐसे कर लीजिए तो आपका ये ओपन कॉर्ड बन जाएगा, ई कॉर्ड बन जाएगा, डी बन जाएगा। वो तो एक नटशेल होता है ऊपर ऊपर से बात करने की, हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लीजिए तो ये बन जाएगा, पर वो कैसे रखने से क्या नोट्स होते हैं, क्या नोट्स को, किन नोट्स को आप इकट्ठे जोड़ेंगे तो आपका एक मेजर कॉर्ड बनेगा, जब वो मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड कैसे कन्वर्ट होगा, वो सब बातें मैंने ओपन कॉर्ड के ट्यूटोरियल में आपको डिस्क्राइब की, आपको बताई। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो लेसन ज़रूर देखा होगा और आपकी जो क्वेरीज उससे रिलेटेड थी कि ओपन कॉर्ड्स को ओपन कॉर्ड्स क्यों कहा जाता है या वो मूवेबल कॉर्ड्स क्यों नहीं होते हैं, तो वो सब बातें आपके मन में जो शंकाएं थी वो दूर हुई होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप कॉर्ड लगाना सीख लेते हैं, जैसे आपने ई माइनर कॉर्ड लगाया, फिर अगर आपने डी कॉर्ड लगाया, फिर अगर आपने सी कॉर्ड लगाया, तो इन कॉर्ड्स के बारे में आपको ओपन कॉर्ड्स में बताया जा चुका कि कहां कहां फिंगर रखनी है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो आज का मेरा ट्यूटोरियल है, जो आज का मेरा लेसन है, वो पर्टिकुलरली बीट्स के ऊपर है कि आप स्ट्रमिंग पैटर्न्स इन कॉर्ड्स के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं और मोर सो ओवर स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट कैसे किए जाते हैं, वो बनते कैसे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार रहिए, मैं आज आपको ओपन कॉर्ड्स में ही कुछ जो ओपन कॉर्ड्स आपको सिखाए हैं उन्हीं के ऊपर कुछ कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन किस तरह से होंगे, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड हैं जो गिटार से रिलेटेड हमारे क्वेरीज में कमेंट्स में उन्होंने कमेंट किया, रवि कांत जी, उन्होंने ओपन कॉर्ड के लेसन को जब देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी उसमें अपने राय रखी कि भाई कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में भी सर आप बताइए, रिलेशन कॉर्ड के बारे में बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि रिलेशन कॉर्ड्स और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड्स है, इस इन सब लेसन्स के बाद जब बेसिक लेसन्स कवर हो जाएंगे हमारे 20 लेसन्स, उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज आने वाली है जो कि हमने प्लान आउट की है, एडवांस सीरीज। एडवांस सीरीज के तहत हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं, और उन सब बातों को भी हम पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और आप खुद से उन सब चीज़ों को समझ सकें। पर उसके साथ साथ रविकांत जी की बात को ध्यान में रखते हुए और भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इस बारे में क्वेश्चन अप किया था कि सर अब ओपन कॉर्ड तो आपने बता दिए, लेकिन किसके साथ कौन सा कॉर्ड लग सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो हम एक शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि आज ओपन कॉर्ड में मैं आपको ई माइनर, डी और सी, ये तीन कॉम्बिनेशन, ये जो तीन कॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा बताऊंगा और बीट्स जो है मैं इसी के ऊपर आपको क्रिएट करके बताऊंगा, ताकि आगे जो हमारे फर्दर लेसन आने वाले हैं, जैसे कॉर्ड्स के ऊपर सॉन्ग्स होंगे या कुछ भी होगा ओपन कॉर्ड्स की सीरीज में, जब हम कॉर्ड्स के ऊपर सॉन्ग्स लेकर आएंगे तो वो इन कॉर्ड्स के ऊपर भी हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रमिंग का क्या फंडा रहता है। माय डियर फ्रेंड, स्ट्रमिंग का ऐसा है, हमारी घड़ी की क्लिक होती है वो कभी मूव नहीं करती है, मतलब जो उसका टाइम इंटरवल है वो इक्वल रहता है, जैसे कि टिक
टिक टिक टिक, ये घड़ी की सेकंड की क्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो घड़ी में सेकंड की सुई होती है वो इक्वल टाइम पे क्लिक करती है। तो उसी तरह से हमारे जो क्लिक है उसके ऊपर टाइम इंटरवल को बेस माना जाता है। तो सबसे पहले हम टू क्लिक के ऊपर बात करेंगे। टू क्लिक मतलब टू काउंट, टू काउंट मतलब टू मेजर्स, मेजर्स मतलब एक काउंट के बाद दूसरे काउंट के बीच में अंतर कितना है। जैसे कि टिक 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 टिक, ये बीच का जो अंतर है ये बेसिक है। अगर आपके बीच का अंतर ऐसे होता टिक 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 टिक, तो ये बेसिक नहीं रहा, ये टिक 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 क्लिक वाइज नहीं रहा, ये मेजर्स में काउंट नहीं हुआ। तो पहले मेजर्स को काउंट करना सीखिए। टू काउंट मेजर है टिक 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 टिक। तो इस टू काउंट में हमारा जो बेसिक पहला, जो मैंने आपको गिटार का पहला लेसन भी दिया था, तो उसमें मैंने आपको एक स्ट्रोक सिखाया था फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही, डाउन अप लाइक दिस। सेकंड स्ट्रिंग पे, थर्ड स्ट्रिंग पे, इसी तरह से सभी स्ट्रिंग पे। तो अगर आपने वो प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये पता होगा कि डाउन मतलब नीचे की तरफ स्ट्रोक करना है, अप मतलब ऊपर की तरफ स्ट्रोक करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए डाउन अप। अब आपने ये सभी की सभी फाइव स्ट्रिंग पे इसको, सिक्स स्ट्रिंग पे इसको आपने स्ट्रोक करना है इस तरह से। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला बेसिक बीट होगा जिसको आपने टू काउंट में वन टू वन टू लाइक दिस, वन टू वन टू वन टू वन टू। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये ई माइनर एक ओपन कॉर्ड है इसीलिए हम इस पे 66 स्ट्रिंग्स को स्ट्रम कर रहे हैं। अगर ये ओपन कॉर्ड नहीं होता तो फिर कम स्ट्रिंग्स को स्ट्रम करना था, कम स्ट्रिंग को हमने प्ले करना था, क्योंकि ओपन है सभी स्ट्रिंग्स पे प्ले होगा और बड़े हाथ सॉफ्टली होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको जोर से स्ट्रोक नहीं करना है, बड़े आराम से सॉफ्टली। जब आराम से करने का मतलब ये नहीं कि आप इसकी स्पीड कम कर दें, स्पीड उतनी ही रखिए। इस तरह से आप इसको स्ट्रोक करेंगे, टेम्पो देखिए, वन टू वन टू वन टू वन टू। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपका पहला बीट हो गया, पहला बीट डाउन अप स्ट्रोक में। अब इसके साथ मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूंगा, वो है पंपिंग। पंपिंग क्या है? पंपिंग में होता है कि आपने डाउन अप स्ट्रोक किया, डाउन अप, अप के बाद इन फिंगर्स को रिलीज कर दिया अपनी जगह पे। रिलीज करने का मतलब ये प्रेशर हटा दिया, डाउन अप लाइक दिस। ये पंपिंग बहुत जरूरी है, इससे कट ऑफ आता है, आवाज में निखार आता है। अगर ये कट ऑफ नहीं होगा तो फिर आवाज एक साथ कंटिन्यू होती आती रहेगी। तो ये कट ऑफ लाइक दिस। अगर ये नहीं भी हो पा रहा तो आप सिंपल दबा के भी इसको कंटिन्यूसली अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें आपने टू काउंट किया था, वन टू, और अब हमने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। वन में वन ही रहेगा डाउन, और टू में डबल हो जाएगा वन टू। कैसे होगा? वन वन टू, यानी के वन में डाउन, टू में डाउन अप। अब ये कैसे होगा एक साथ देखिए, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। आपके पास फिंगर्स रिलीज, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। ऐसा से देखिए, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। माय डियर फ्रेंड, इसका बड़ा ध्यान रखिए कि डाउन अप इकट्ठा आना चाहिए, ये ना हो कि डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, ये गलत है। आपने करना है डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन अप पे ध्यान रखिए। टू थ्री एक साथ आना चाहिए, डाउन डाउन अप, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब माय डियर फ्रेंड, आपके टू बीट्स आपको मैं बता चुका हूं। पहला बीट रिपीट देखिए, डाउन अप डाउन अप, वन टू वन टू वन टू वन टू। दूसरा बीट डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। अब इन दोनों बीट्स के ऊपर कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन में कैसे हम मूव करेंगे देखिए। पहले डाउन अप वाले पे देखते हैं, डाउन अप 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 डाउन अप। ये पहले में था, दूसरे में देखिए, डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि जब मैं पंपिंग कर रहा हूं ये प्रेशर रिलीज हो रहा है। इसका ध्यान रखिएगा, इसका फोकस पूरा ध्यान रखिए, और आपके बाद होगा डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप पहले ऐसे भी सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ये आपके टू बीट्स हो गए। टू बीट के बाद अब मैं आपको थर्ड बीट की तरफ ले चलूंगा, जिसमें वन में डाउन ही रहेगा सिंगल और टू में थ्री काउंट आ जाएंगे, यानी कि वन टू थ्री। टाइमिंग क्या इंटरवल रहेगा? वन टू। तो इसको बाइफर्केट करेंगे तो कैसे होएगा? डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, लाइक दिस। तो ये डाउन डाउन अप डाउन बीट जो है, थोड़ा सा आराम से मैं एक बार समझा दूं कि इस तरह से आएगा। पहले में सिंगल डाउन, दूसरे में डाउन अप डाउन, वन टू थ्री फोर, 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 वन। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके हमारे अभी तक तीन बीट हो गए। पहले में डाउन अप फर्स्ट स्ट्रोक टू काउंट बीट है, ये सभी के सभी टू काउंट बीट है। दूसरे में डाउन डाउन अप बीट है, डाउन डाउन अप ऐसे, और तीसरे में डाउन डाउन अप डाउन। ये थ्री बीट के बाद हम फोर्थ बीट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा? फर्स्ट काउंट में डाउन सिंगल रहेगा और टू काउंट में चार आ जाएंगे, फोर स्ट्रम्स आ जाएंगे। अब मैं जो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे डाउन डाउन अप ये क्या है? जो डाउन अप या डाउन वर्ड है या अप वर्ड है, ये पल्स कहलाती है, और जो काउंट होते हैं वो टाइम इंटरवल होता है एक और दूसरे स्ट्रम के बीच में। डाउन अप ये वन टू काउंट है, डाउन डाउन अप ये थ्री पल्स का बीट है, बट काउंट टू ही इसके हैं। डाउन डाउन अप टू काउंट थ्री पल्स, डाउन डाउन अप डाउन फोर काउंट टू पल्स, टू बीट टू स्ट्रम, सॉरी टू स्ट्रम। इसमें आप इसलिए कह रहा हूं कि जो टू मेजर है इसका वो है, टू मेजर में आपने फोर पल्सेस लिए हैं, इसको कोई फोर पल्सेस का नहीं कह सकते। ऐसे कुछ लोग कहते हैं डाउन डाउन अप डाउन कितने कितने का बीट है, ये फोर का है, फोर का नहीं है, ये फोर पल्सेस का बीट नहीं है, ये फोर पल्सेस इसके काउंट्स हैं, लेकिन जो मेजर है इसका वो काउंट्स जो है वो टू ही है, मतलब टू में इसको डिवाइड किया गया है। उसी तरह से टू में अब आएगा वन इज टू फोर, एक में डाउन डाउन अप डाउन अप। अब इसमें हम डाउन अप कीजिएगा, इसको रिवर्स कर लेंगे, अप डाउन अप डाउन करेंगे, कैसे आएगा? इसको स्लो करके देखिए, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। माय डियर फ्रेंड्स, टू काउंट के अंदर हम ये बीट्स प्रैक्टिस कर लेंगे, वन इज टू वन, वन इज टू टू, वन इज टू थ्री, वन इज टू फोर। तो हम टू काउंट को के स्ट्रमिंग पैटर्न का जो बेसिक पैटर्न है, जो बेस है, वो आपको समझाते हुए मैंने आपको समझाया कि इस तरह से आप इसको कर लेंगे तो आपका ये टू काउंट के स्ट्रमिंग पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, आपको बेसिक समझा दिया गया है। आप कर सकते हैं कि वन में टू रखिए, टू में भी टू रखिए, कैसे हो जाएगा? इस तरह से आप खुद से भी कोई बीट्स क्रिएट करना चाहें कल को कर सकते हैं टू काउंट के अंदर, अपनी मर्जी से वन में टू रखिए, वन में थ्री रखिए, टू में फोर रखिए, इस तरह से जो भी आप क्रिएट करना चाहें यू कैन क्रिएट इट अप ऑन योर ओन। लेकिन जो मेरी तरफ से प्रिस्क्राइब है वो है वन टू, वन टू एक, वन टू थ्री, वन टू थ्री दो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, डाउन डाउन डाउन। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रमिंग पैटर्न टू काउंट पे बताने के बाद अब मैं फोर काउंट के ऊपर आ रहा हूँ। तो फोर काउंट में जो पहला स्ट्रमिंग पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो रॉक स्टाइल बीट भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जनरली आजकल के जो नए गाने आ रहे हैं उसमें ये बीट बहुत पॉपुलरली प्ले किया जा रहा है। वो किस तरह से है? फोर काउंट में पहले में डाउन, दूसरे में डाउन, तीसरे में अप डाउन अप डाउन, और चौथे में डाउन। इसको कुछ लोग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं, मैंने पहले आपको ये बताया। इसको देखिए बजेगा कैसे, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। देखिए पहले काउंट में सिंगल डाउन है, दूसरे काउंट में सिंगल डाउन है पल्स, तीसरे काउंट में अप डाउन एक साथ है, और चौथे काउंट में डाउन है। यू कैन चेंज द पल्सेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसे कि आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन, एक दो तीन।
इसमें क्या हो गया डाउन डाउन, पहले दो हो गए वन टू, तीसरे में अप अप और चौथे में अप डाउन। अपने हिसाब से आप पल्सेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया टू काउंट में भी आप पल्सेस को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, बट ध्यान रखना होता है काउंट का, जो मेजर इंटरवल्स है टाइमिंग के उसका ध्यान रखना होता है। तो फोर काउंट में जो पहला बीट था वो इस तरह से था डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, इसी तरह से इसी बीट को थोड़ा सा अगर आपने फास्ट करना है तो आप पहले काउंट में दो ले सकते हैं डाउन डाउन और फिर डाउन डाउन डाउन, फिर दूसरे में डाउन और फिर तीसरे में अप डाउन अप डाउन और चौथे में डाउन, कैसे डाउन 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 अप डाउन डाउन डाउन। तो इस तरह से आपका सेकंड बीट जो फोर पैटर्न पे था वो आपको उन्होंने बताया, जो बीच में एक अलग से पैटर्न बताया वो इसलिए था कि अगर कोई अपने से क्रिएट करना चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बट मेजर्स को काउंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब काउंट में ही तीसरा बीट जो मैंने आपको बताया वो कुछ इस तरह से था कि टू काउंट वाले बीट को हमने कन्वर्ट किया फोर काउंट वाले में, डाउन अप डाउन अप डाउन पॉज अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन पॉज अप डाउन अप डाउन, वन टू थ्री फोर, वन टू इसमें क्या किया गया है, पहले में डाउन किया गया, दूसरे में अप डाउन अप डाउन किया गया, तीसरे में पॉज दिया गया और फोर्थ पे फिर से डाउन अप डाउन डाउन किया गया डाउन। ये डबल बीट माना जाता है क्योंकि ये टू काउंट में डाउन अप डाउन अप डाउन सिंपल था, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, और फोर काउंट में इसको हमने जब किया तो हमने थर्ड में हल्का सा पॉज ले लिया, उसमें उस मेजर को साइलेंट कर दिया और फोर काउंट में फिर से अप डाउन डाउन ले लिया लाइक दिस। तो डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट फोर मेजर्स के ऊपर बीट था वो कुछ इस तरह से था, डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। डियर फ्रेंड्स, एक मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि आप सोच रहे होंगे स्ट्रमिंग पैटर्न तो इतने बता दिए पर इनके ऊपर गाने किस तरह से होंगे, तो वो आपको आगे के लेसन में मिलेंगे, एडवांस सीरीज में मिलेंगे, बेसिक्स में कुछ मिलेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे वो लेसन को देखना पड़ेगा। फिर भी आपको उन लेसन को देखते हुए उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके आप बजा पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर आपके लिए एक लेसन, जिसमें हमने आपको बताया कि स्ट्रमिंग पैटर्न जो है काउंट्स के ऊपर मेजर्स के ऊपर क्रिएट की जा सकती हैं, और कुछ स्ट्रमिंग पैटर्न में आपको क्रिएट करके दिखाई, टू काउंट में पहले चार बीट्स दिखाई और फिर फोर काउंट में आपको फिर चार बीट्स बताई। आप इनको प्रैक्टिस करिए, इन्हीं में असंख्य बहुत से गाने आपके इसमें निकल आएंगे, और अगर कल को इसके बाद कोई गाना नहीं भी इन बीट्स में निकलता है तो मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया, ढंग बता दिया कि इस तरह से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। और इससे अगर आप फर्दर इसमें जाना चाहते हैं तो वेट फॉर आवर नेक्स्ट सीरीज एडवांस लेसन्स इन गिटार विद सुमित में, जो कि बहुत जल्दी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें हम आपको पर्टिकुलरली ये भी बताएंगे कि कॉर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, खुद से किसी गाने के कॉर्ड्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं, और जब कॉर्ड्स निकल जाते हैं तो उसको किस कम्बिनेशन पर ट्राई करना चाहिए, और जब वो भी पता चल जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे होगा, वो सब चीज़ें आपके साथ हम फर्दर डिस्कस करेंगे। डू सब्सक्राइब निर्वाणा एंटरटेनर्स, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और वो गिटार बजा रहे हैं सीख रहे हैं कहीं पे, उनको भी बोलिए एक बार इन लेसन को ज़रूर देखें, और हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, डू वॉच अस, थैंक यू।